गणपति बप्पा मोरिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अरुणा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अरुणा गौतम में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ गणपति जी के फेवरेट मोदक, जो कि उनको बहुत पसंद है। तो ये हम बनाएंगे आज नारियल और गुड़ से। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। बनाना शुरू करते हैं। गैस के ऊपर मैंने एक पैन ले लिया है, जिसमें 2 टेबल स्पून मैं देसी घी डाल रही हूँ और घी को थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। और अब मैं इसमें 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ, यानी नारियल का बुरादा। इसके लिए फ्रेश नारियल भी यूज़ किया जा सकता है, उससे भी ये जो मोदक हैं वो बहुत यमी बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। लेकिन मेरे पास फ्रेश नारियल नहीं है तो मैं ये नारियल का बुरादा ले रही हूँ। और इसको 2-3 मिनट तक हम हल्के से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, लो फ्लेम पर भूनना है। तो 2 से 3 मिनट तक ही सिर्फ भूनेंगे। और इसमें मैं 8 से 10 कूटे हुए काजू डाल रही हूँ, जिनको मैंने कूट लिया है थोड़ा सा। और साथ ही मैं इसमें आधी छोटी चम्मच से भी कम इलायची पाउडर डाल रही हूँ, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी अच्छी आती है। तो मिक्स कर लेंगे सबको। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप मैंने नारियल का बुरादा लिया है और 3/4 कप गुड़ लिया है, जिसको कि मैंने ग्रेट कर लिया है ग्रेटर से, ताकि जो गुड़ है वो आसानी से इसमें मेल्ट हो जाए। तो गुड़ के साथ इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम सिर्फ 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना गुड़ जो है वो हार्ड हो जाएगा। तो अगर आपको बुरादा सूखा लगता है ये मिक्सचर, तो आप इसमें 1 चम्मच घी और डाल सकते हैं। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट ही मैं इसको पकाऊंगी। और ये देखिए मिक्स हो गया है, और अब हम गैस को जो है ऑफ़ कर देंगे और मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे। तो मिक्सचर जो है वो हल्का ठंडा हो गया है, तो अब हम मोदक बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सांचा ले लिया है और इसके अंदर हम मोदक की फिलिंग भरेंगे और बस मिनटों में हमारे जो गुड़ और नारियल के मोदक हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो अच्छे से मैंने इसे फिल कर लिया है। और ये देखिए यहाँ पर जो मोदक है वो बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। और इसी तरह से हम अपने बाकी सारे मोदक भी बना लेंगे। परफेक्ट। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और तो ये देखिए, तो मेरी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।